नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 5 के वाक्य प्रयोग याद करेंगे जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं। पहला शब्द है दादी। अभी इस मैंने वाक्य लिखा हुआ है, मेरी दादी बहुत अच्छी है। आप कुछ भी, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। वाक्य प्रयोग क्या होता है? सेंटेंस बनाना। तो आप मेरी दादी बहुत अच्छी है, मैंने तो ये बनाया हुआ है। आप कुछ और भी बना सकते हो कि मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है, मेरी दादी ने पीली साड़ी पहनी हुई है। आप कुछ भी बना सकते हो, मेरी दादी गांव में रहती है। कोई भी आप वाक्य बना सकते हो। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, आप इसको भी याद कर सकते हो। याद करके आपने लिख के देखना है। अगला शब्द है जन्मदिन। आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, मैंने बना रखा है। आप इसकी जगह कोई और भी सेंटेंस बना सकते हो इसका। नंबर 3 है चुटकुले। राम चुटकुले सुनाता है, ठीक है। या मुझे चुटकुले सुनने अच्छे लगते हैं, या चुटकुले सुनकर हम बहुत हंसते हैं। ऐसे आप वाक्य कोई भी बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि रटा रटाया लिखा लिखाया आप याद करोगे। अपनी तरफ से भी कोई भी वाक्य बना सकते हो आप। 4 है गुलदस्ता। आनंद ने गीता को गुलदस्ता दिया। गुलदस्ता क्या होता है? जिसमें फूल रखे होते हैं, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो कि मैंने गुलदस्ते में ताज़े फूल रखे हैं, या मैंने अपने घर को फूलों के गुलदस्ते से सजाया है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। धन्यवाद। अगला शब्द क्या है? धन्यवाद। किसी से सहायता मिलने पर हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो बेटा, ये वाक्य प्रयोग आपने अच्छे से याद करके किसी भी रफ नोटबुक में याद करके लिखना है, ठीक है। 3-in-1 कॉपी में भी आप लिख सकते हो। हिंदी के पेजेस में याद करके लिखना है। हिंदी की नोटबुक में दोबारा से नहीं लिखना है आपने, किसी भी रफ नोटबुक में आप याद करके उसे लिखें, तभी आपको याद होगा। अगर याद करके लिखते हो तभी याद होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।